बिग बॉस 11 के शनिवार रात के एपिसोड में सलमान खान ने घर वालों की जमकर क्लास ली थी। इस क्लास में सलमान ने सबसे बुरा हाल किया जुबैर खान का। जुबैर खान को नेशनल टीवी पर हुई अपनी ये बेइज्जती इतनी बुरी लगी कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। रविवार को जुबैर को घर से बाहर भी निकाल दिया गया। घर से बाहर निकलने के बाद जुबैर ने मुंबई के एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में सलमान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उसने सलमान पर बिग बॉस में वीकेंड वार के दौरान धमकी देने का आरोप लगाया है। इसी दौरान जुबैर ने मीडिया से खुलकर बात की और बिग बॉस को लेकर भी कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे किए। जुबैर ने कहा, मैं विवेक ओबेरॉय नहीं हूं जो सलमान खान को छोड़ दूंगा, मैं उसे आगे तक लेकर जाऊंगा। सलमान को लोगों की बेइज्जती करने का बड़ा शौक है। शो में बुलाकर प्रतिभागियों को चैलेंज करना, मेरी रिपोर्ट निकालना, ये सब ठीक नहीं है। सलमान मेरी रिपोर्ट निकालने की बात कर रहे हैं, मेरे पास उनकी सारी रिपोर्ट है। अब इस लड़ाई को मेरी बहन लड़ेगी। सलमान को यही कहूंगा कि मैंने तेरी इज्जत रख ली और कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा। जुबैर आगे कहते हैं, मैं सलमान को ओपन चैलेंज करता हूं, तुझे जो करना है कर ले मेरे खिलाफ। कलर्स चैनल ने मेरी इमेज खराब की, उन्होंने लोगों को गलत बताया कि मैं हसीना पारकर का दामाद हूं, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं। जुबैर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं सलमान खान के खिलाफ आखिरी तक लड़ूंगा और जिस तरह कलर्स चैनल ने मेरी इमेज खराब की है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ूंगा। जुबैर ने दावा किया कि अगर मैं खुद को मारने की कोशिश नहीं करता तो मुझे बिग बॉस के घर से निकलने नहीं दिया जाता। बिग बॉस में मेंटल टॉर्चर होता है, वहाँ जो भी गलत होता है उस पर अगर मैं जवाब देता हूँ तो कहा जाता है कि मैंने गलत किया है। मेरे बोलने से पहले क्या हुआ ये दिखाया ही नहीं गया। कलर्स लोगों की इज्जत उतार कर पैसे कमाने में लगा है। जुबैर ने दावा किया कि बिग बॉस में बोलने के लिए मुझे डायलॉग लिख कर दिए गए थे। जुबैर ने यह भी दावा किया कि बिग बॉस वाले बिल्कुल मानवतावादी लोग नहीं हैं और वहाँ सब कुछ लिखा लिखाया होता है। अब जुबैर का कहना है कि वो इस लड़ाई को आखिर तक लेकर जाएंगे। मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।